बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ यूनिट नंबर वन। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड होगा। एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर वन करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपके पास जितने भी सेट दिए हैं आपने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट है आपका ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने क्या करना होता है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में सेट को लिखना होता है। अब आपके पास अगर हम इस इन अल्फाबेट्स को गौर करें, ए ई आई ओ यू, आप इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं कि ये कौन से आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आपके पास वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। तो आपने जब इनको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पार्ट का। अगर हम इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर एट करें, क्वेश्चन नंबर एट है आपके पास एच इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये भी मैं आपको पढ़ना बता चुकी हूँ, ये स्ट्रेट लाइन इसको किस तरह से पढ़ते हैं, सच दैट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 99। ठीक है, अब हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे एच इक्वल, अब इस चीज को हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 99 ठीक है, x ग्रेटर देन 99 यानी आपके पास जो नेचुरल नंबर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 99। अब हम क्या करते हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में आपके पास क्या है, राइट द सेट इन द टेबुलर फॉर्म। आपने कौन सी फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म। इसकी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे। आपके पास एक बी सेट दिया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और वो क्या है, टू कलर्स इन द रेनबो। आपने रेनबो देखी होगी, उसके कलर्स भी आपको पता है कौन कौन से होते हैं, रेड येलो ग्रीन, तो आपने कोई से दो कलर्स बता देने हैं, ठीक है। बी सेट आपके पास क्या है, टू कलर्स इन द रेनबो। आपने अपनी मर्जी के रेनबो के अंदर जो भी कलर्स होते हैं उनमें से कोई से दो कलर्स को आपने टेबलेट फॉर्म के लिए आप क्या लगाते हो, हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रेसिस के अंदर आपने वो एलिमेंट्स लिख देने हैं जो आपको कहा गया है। अब कौन से एलिमेंट्स कहा है, टू कलर्स ऑफ द रेनबो, तो हमने बी लिखा इक्वल साइन, पहली ब्रैकेट लगा दी और अब हम क्या लिखेंगे, कलर्स के नेम। लेट कर लेते हैं कि ये जो हम कलर्स लिख रहे हैं उसमें ग्रीन कलर ऑफ कोर्स रेनबो में आता है और उसके बाद रेड कलर लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसके अलावा भी कलर्स लिख सकते हो जो कि रेनबो के अंदर आते हैं। ये आपके पास क्या आ गई, टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा फोर, डी इक्वल टू मल्टीप्लाइज मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30, ठीक है। डी सेट आपके पास क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स लेस देन 30। मल्टीपल्स में हम क्या करेंगे, यानी आपके पास अगर नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, तो आपने इन सारे नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी 5 का टेबल लिखना है आपने। तो 5 का टेबल लिखते लिखते कहाँ तक लिखना है कि वो नंबर आपके पास लेस देन 30 हो, 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे
बल्कि क्या होगा, आपने 5 का टेबल कहाँ तक लिखना है, 30 से नीचे तक जो नंबर आता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे टैबलेट फॉर्म में, तो टैबलेट फॉर्म के लिए आप ब्रेसेस यूज़ करते हो, ब्रैकेट लगाई है आपने, और उसके बाद सबसे पहला 5 के टेबल में आपके पास नंबर क्या आता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 लिखेंगे, नो, क्योंकि आपके पास जो नंबर है वो लेस देन 30 होने चाहिए। तो आप 25 तक लिखने के बाद टैबलेट फॉर्म कंप्लीट कर चुके हो और ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, आपने सेट को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कौन सी फॉर्म आ रही है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसका सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है, a इज इक्वल टू, टेबलर फॉर्म में क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5। आप एक्सरसाइज करते हैं ये भी जज किया करें कि कौन सा क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में दिया है, टेबलर में, डिस्क्रिप्टिव में या सेट बिल्डर में। अब हमने इसको सेट बिल्डर में लिखना है। देखें अगर गौर करें तो ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, नेचुरल नंबर, और किससे छोटे हैं या किससे बड़े हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 6 आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो आप लिखोगे a इज इक्वल टू, आप इनको भी ब्रैकेट्स में लिखते हो सेट बिल्डर फॉर्म को, आप लिखना है a इज इक्वल टू x सच दैट, हमेशा आपका सेट इस तरह से शुरू होगा, x सच दैट x, उसके बाद जो नंबर जिस सेट से बिलोंग करते हो, सेट का मतलब कि आपके पास नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर्स होते हैं, आपने देखना है ये सारे सेट होते हैं, सॉरी, तो आपने देखना है कि आपके नंबर्स कौन से सेट से बिलोंग करते हैं। तो ये नेचुरल नंबर है, आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब आगे हमने एंड लगाने के बाद कंडीशन अप्लाई करनी होती है कि ये नंबर्स आप या ये सेट जो है वो कितने नंबर्स तक दिया है। तो ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये लेस देन 6 है, तो आप लिखेंगे एंड x लेस देन 6, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म। एक और इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, वो हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 1, 2, 3, ओ इज इक्वल टू सेट ऑफ ओड नंबर, ग्रेटर देन 9, 15, ग्रेटर देन 15, ठीक है। आपने क्या लिखना है, सेट ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर्स हों, ओड नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये ओड नंबर्स हैं, लेकिन वो ओड नंबर्स आपने कौन से लिखने हैं, ग्रेटर देन 15। अब 15 से बड़े ओड नंबर क्या हो सकते हैं, 15 से बड़ा अगर नंबर देखें तो वो आता है 16, लेकिन 16 आपके पास एक इवन नंबर है, पर हमने क्या लिखना है, 15 से बड़े ओड नंबर। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू कौन से नंबर्स, ये आपने देखें यहाँ पे भी यही लिखा था x सच दैट x बिलोंग टू, आगे n है, यानी आपने सेट को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे कौन सा सेट है, ओड नंबर्स का, और ओड नंबर को आप किसे रिप्रेजेंट करते हो, o के साथ, x सच दैट x बिलोंग टू ओड नंबर एंड एंड लगाएंगे। उसके बाद हमने कंडीशन लगा देनी है कि x की वैल्यूज कहाँ तक होनी चाहिए, ग्रेटर देन 15, आप लिख देना है x ग्रेटर देन 15, ठीक है। ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म आ गई है। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे w इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू w, क्योंकि आपके पास जो w है वो किस चीज़ को बिलोंग करता है, किस चीज़ से रिलेट करता है, सेट ऑफ होल नंबर से। तो ये आपके पास क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।